हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस वैकेंसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। जो अभी काफ़ी जिलों के रिजल्ट वो जारी हो चुके हैं। अभी अभी जो रिजल्ट जारी हुआ वो नागौर का रिजल्ट जारी हुआ, और काफ़ी ज़िले हैं जिनके रिजल्ट आज शाम तक हैं वो जारी हो जाएंगे, जिनमें यानी कि सिरोही, जोधपुर, झालावाड़, बूंदी, मतलब कम से कम 8-10 जिलों का रिजल्ट है वो आज शाम तक जारी होने की संभावना है। अगर आज जारी नहीं होता है तो फिर मंडे के दिन लगभग सभी जिलों के रिजल्ट वो जारी हो जाएंगे। कुछ से पोस्टें हैं वो अब की बार खाली भी रख रहे हैं, यानी कि कट ऑफ रही है। तो कट ऑफ तो देखो, जो आइडिया था ना उसके आसपास में ही कट ऑफ रही है। काफ़ी स्टूडेंट्स बता रहे हैं सारे 80-90 के बीच में रही है मेल कैटेगरी, यानी जनरल, OBC, EWS, MBC, कुछ जिलों से 90, कुछ जिलों से 85-80 ऐसी कट ऑफ बता रहे हैं। फीमेल की बात करें तो वहीं इससे डायरेक्टली 5 नंबर अपन 75, जिनके 75 नंबर बन रहे हैं इतनी कट ऑफ कुछ जिलों से रही है। हो सकता है एक आध नंबर ऊपर नीचे भी हो सकती है, अभी कंफर्म किसी को नहीं है, क्योंकि मार्क्स किसी को, जो आपके नंबर हैं वो किसी को भी नहीं बताए हैं। तो ये अनुमान ही है कि भाई इसके आसपास आपकी कट ऑफ है ना वो रही है। अब की बार वैकेंसी में सीटें खाली क्यों रख रहे हैं इतनी ज़्यादा? क्या प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं क्या? तो देखो, अब की बार ऐसा हुआ है कि स्पोर्ट्स की जो वैकेंसी आने वाली है ना, कितने पदों पर वो वैकेंसी आएगी? 56 पदों पर वो वैकेंसी आएगी। स्पोर्ट्स की कितने पदों पर आएगी? 56 पदों पर वो वैकेंसी आएगी, जो खिलाड़ियों की वैकेंसी होती है ना वो। और ये वैकेंसी अमूमन ऐसा होता था कि पहले जितनी भी वैकेंसियाँ हुई है उनमें पहले ही भर लेते थे इनको, यानी कि 56 पदों की ट्रायल होती थी। अभी जैसे मान लो ये 56 पोस्टों पर वैकेंसी आती तो इनकी ट्रायल हो जाती और ये वैकेंसी आपसे पहले ही भर लेते। तो इस कंडीशन में तो क्या है कि पूरी आपकी मेरिट आ जाती है, यानी कि पूरे पदों पर है वो कट ऑफ मार्क्स, यानी कि पूरी लिस्ट आपकी डाल देते। लेकिन अब की बार लगभग 600 से 700 पोस्टें हैं ना वो स्पोर्ट्स की वजह से रिजर्व में रख रहे हैं, यानी कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी ना वो भी बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी। रीजन क्या है, इतनी पोस्टें खाली रख रहे हैं ना 600 से 700 के बीच में ये पोस्टें खाली रख रहे हैं। तो प्रत्येक जिले से जैसे कैटेगरी वाइज रख रहे हैं, जैसे जनरल कैटेगरी हो गई, इसकी 2% पोस्टें हैं वो रिजर्व में रख रहे हैं। किन के लिए? स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। EWS कैटेगरी, इसकी भी 2% रख रहे हैं। OBC, MBC, SC और ST। तो सर, इतनी सारी पोस्टें रिजर्व में रखने की क्या जरूरत है? मतलब 56 पोस्टों के लिए 650-700 पोस्टें रिजर्व रखने की क्या जरूरत है? भाई वेटिंग में तो इनका नंबर आ जाएगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं हो रहा ना। तो इसका यही कारण है कि भाई स्पोर्ट्स पर्सन, अगर मान लो 2% स्पोर्ट्स पर्सन का जो कोटा रहता है वो दोनों ही यहाँ पे जनरल कैटेगरी से आ गए, तो फिर एक बार जो फाइनल रूप से चयन हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो फिर उसको तो हटा नहीं सकते ना। तो उसके लिए यही विकल्प सही है कि आपकी वेटिंग लिस्ट है ना वो निकलेगी, फिर बड़ी वेटिंग लिस्ट निकलेगी। तो अगर इस लिस्ट में किसका नंबर नहीं आए तो संभावना है कि जो 650 की वेटिंग आएगी उसमें भी आपका नंबर आ सकता है। ये स्पोर्ट्स वाली वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद में, ये जल्दी वैकेंसी कंप्लीट है वो हो जाएगी। तो इसीलिए हर कैटेगरी से, हर जिले से 2-2% पोस्टें हैं ना वो खाली रख रहे हैं स्पोर्ट्स की वजह से, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स है ना वो आपको सभी तैयार करवा लेने हैं, क्योंकि जो रिजल्ट्स आप देख रहे हो उसके लास्ट वाला पेज है ना उसमें आपको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाना, आपको कौन कौन से शपथ पत्र साथ में लेके जाना, आई प्रमाण पत्र, आपका सारे डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है ना वो उसमें दी गई है, आप देख लेना। और मेडिकल के ऊपर में है ना, कल मॉर्निंग में वीडियो बनाऊंगा, एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा मॉर्निंग में मेडिकल के ऊपर, कैसे आपका मेडिकल होता है, किस प्रोसेस से आपको गुजारा जाता है, किस प्रकार से। वैसे मेडिकल नॉर्मली होता है पुलिस का, तो सुबह में मेडिकल के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है 2-4-5 जिलों की अभी मेरिट है वो देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, ये जानकारी, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।